नहीं चाहते क्या हो आप, बोल क्या रहे हो बताओ। पता नहीं, ये आप मेरे से कुछ झूठ बोल रहे हो। मैं क्या झूठ बोलूंगा? और नेहा को ऐसा शक हो रहा है कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ और कुछ चल रहा है। हाँ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? और नेहा को ये भी शक है कि अखिल भाई आ रहे हैं ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो आज फिर से एक नई सुबह, और आज का कुछ इस तरह से प्लान है कि आज हम लोगों ने कहीं जाना है। कहाँ जाना है वो आगे आगे इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। और आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हमारी रिमेनिंग लिस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। उसका थोड़ा सा सामान है जो शिमला से ही लेना है, वो भी आज हमें लेना है। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, इस ब्लॉग में मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। सबसे पहले इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो अभी देखो माता रानी का मंदिर नहीं दिखाई दे रहा है बादल की वजह से। तो आज मौसम कुछ इस तरह से, यहाँ से बिल्कुल साफ, पर ये जो बादल है ना, ये है जो भी है, बाद में इकट्ठे हो जाएंगे तो बारिश हो जाएगी। फिलहाल के लिए तो अभी खतरा नहीं है, तो हम बाहर जा सकते हैं। तो नेहा अभी रेडी हो रही है, मैं भी रेडी होता हूँ, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर बाहर की तरफ को निकलते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। वैसे तो हमारा प्लान कहीं बाहर जाने का था, पर नेहा कह रही है कि सफाई करने को है। यार समझ ही नहीं आ रहा, इस मौसम पर डिपेंड करता है, क्योंकि कपड़े भी धोने हैं, फिर ऐसा ना हो बाहर भी नहीं गए कपड़े भी ना धो पाए। तो एक काम करते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि वो भी जरूरी है, और सीढ़ियों में बाहर भी साफ कर लेते हैं टॉप से नीचे तक। अब घर वाले भी आने वाले होंगे कुछ टाइम में, तो फिर चलो आज सैटरडे भी है, मैंने सोचा था आज हम मॉल जाएंगे। हाँ पर चलो कोई बात नहीं, आज हम अपने घर की सफाई कर लेते हैं। ठीक है। नेहा ने तो सफाई अभियान शुरू कर दिया है, और मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर का करता हूँ, आप जो भी आपको थोड़ा बहुत लगता है आप वो करो, ज्यादा नहीं करना क्योंकि मैं वापस आऊंगा, मैं कर लूंगा। नहीं नहीं, मैं पहले किचन कर लेती हूँ, जितना होता है ना उतना ही करना, ज्यादा मत करना। भी नहीं है ना, पहले ही बैठ गया तो थोड़ा बहुत इसको करते हैं। पहले मैं कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कपड़े धोने का बहुत गलत डिसीजन है। अक्षय ने बोला था क्योंकि मौसम खराब हो गया है, तो मौसम खराब है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। देखो आप, और ये है कि चलो धुल जाए और थोड़ी देर टिक जाए मौसम, तो हो जाएगा सब कुछ ठीक। बेड शीट्स का है, बाकी तो छोटे छोटे कपड़े, उनका तो कोई इशू नहीं है। तो मैं जाता हूँ अभी, जाओ पहले बाहर का कर लो, क्योंकि बारिश आएगी तो बाहर नहीं होगा। हाँ ठीक है, ओके। तो हम दोनों को ड्यूटीज कुछ इस तरह से मिली है। नेहा घर के अंदर थोड़ा बहुत जो भी इसको लगता है वो काम करिए, साथ में हमने कपड़े धोने को लगा दिए, और मुझे मिला है बाहर का काम। क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ है ना, ये जो स्टेयर्स है, ये ना काफी गंदी हो गई है, और हमारे लोग यहाँ पे ज्यादा कर रहते भी नहीं, आते जाते रहते, तो कोई सफाई करने वाला भी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब मौका मिल रहा है तो ये भी साफ कर लेता हूँ। सफाई तो करनी है, और दोनों तरफ की सफाई होनी चाहिए, अंदर भी बाहर भी। तो ये तो थी वो कहानी जो मैंने नेहा को बतानी थी कि आज सफाई अभियान है। वैसे आज ना जाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, अखिल भाई का फ़ोन आया था। तो अखिल भाई और नेहा के मम्मी पापा कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं नेहा को, खुद नहीं आ रहे, किसी के थ्रू भेजना चाह रहे, तो उसके लिए हमारा यहाँ रहना ज़रूरी है। साफ़ सफाई तो एक बहाना है, क्योंकि वो तो हमने करनी थी, तो मैंने नेहा को बोला आज नहीं जाते, आज साफ़ सफाई करते। तो उसका मूड ऐसा हो गया कि यार आज तो बाहर जाना था, क्यों कैंसिल किया होगा, उसे अभी कोई आइडिया नहीं है, हम उसे शक नहीं होने देंगे। इसलिए मैं बाहर की सफाई कर रहा हूँ, क्योंकि हॉल में डेकोरेशन की फ़ोटो बोला है खींचने को। तो अभी आपको पता है कि शैलजा दीदी का बर्थडे था, थोड़ी बहुत डेकोरेशन की है, जो सामान लगेगा और वो लेके आएंगे, और क्या होने वाला है मुझे भी नहीं आइडिया है। तो मुझे जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिल रही है मैं वैसा ही काम कर रहा हूँ। तो चलो साफ़ सफाई भी करते हैं बाहर की, और हॉल की फ़ोटो भी भेज देते हैं, देखते हैं शाम तक कैसा सरप्राइज रहता है। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैं भी इसका हिस्सा हूँ, पर मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या होने वाला है, पर कोई बात नहीं। तो मैं फ़ोटो भेज देता हूँ फिलहाल। वो देखो बलून खुद ही छूट चुके हैं नीचे, और स्टार और दो बलून बचे। तो यहाँ पे टाइम पास के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप स्कूल के बच्चों को देख सकते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल ही रही होती है। तो ये देखो यहाँ पे बच्चे, इनको पता लग गया कि शूट हो रहा है, खुश हो गए। तो पानी अपने पास यहीं पड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ यही वाला पानी यूज़ करता हूँ। झाड़ू भी मैंने ले लिया है, और मैंने फ़ोटो भी भेज दी हॉल की। मे भी शायद कुछ सरप्राइज़ में केक कुक हो, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। डेकोरेशन की फ़ोटो तो शायद इसीलिए मांगी जाती है, अगर कुछ केक कटिंग वगैरह करनी हो। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं अपनी सफाई। तो देखो सीढ़ियाँ जो है ना चमकने लग गई है अपनी। एक बात बताऊँ, पंगा ले लिया वैसे मैंने, बहुत थकने वाला काम है। अभी मैंने सिर्फ एक ही सीढ़ी का पैच किया, अब नेक्स्ट सीढ़ी में पहुँचाऊँ। अभी 7-8 सीढ़ियाँ हैं नीचे तक इस तरह की, जिसमें कम से कम 8-8, 9-9, 10-10 स्टेयर्स है। पर चलो जब लग गए तो कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। बस इसी चीज़ की देरी थी, नेहा कपड़े धो रही है, अब मेरे को डांट पड़ने वाली है, बारिश भी आ चुकी है, पर चलो कोई ना। और मौसम देखो कैसा है, उस तरफ को धूप है,
उस एरिया में देखो वहाँ धूप है, और यहाँ पे मौसम देखो, वो जो सुबह बादल स्कैटर थे अब एक जगह इकट्ठे हो गए, बारिश शुरू कर दी है। मेरा भी काम बस होने ही वाला है, थोड़ा बहुत रह गया है पर कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। कपड़े धोने वाला डिसीजन तो मेरे को लगता है गलत ही हो गया, पर अब क्या करें, अब तो मैंने आराम से हेलो तो ये वेलकम टू सफाई सफाई करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं। मेरे से सिर्फ किचन और एक रूम ही हुआ है, रक्षा ने इतनी स्टेयर साफ कर दी है। वाह, अभी आपकी हेल्प भी करूंगा, टेंशन जब तक आप आओगे तब तक मैं कर चुकी होंगी। अच्छा क्योंकि ये देखो मैं पोछा मार रही हूँ। गुड नाइस, और आप देख रहे कितना गंद है। ये हमने सोचा था पर हमें टाइम नहीं लग रहा था, पर अच्छा हुआ आज कर लिया, नहीं तो बहुत गंदी है देखो आप यहाँ तक है। अब थोड़ा अच्छा है ना, अब दो फ्लोर हो या दो फ्लोर और है। नहीं सच में बकेट उठाना निकालना, हाँ। पानी खत्म हो जाए तो बकेट में पानी फिर भर के लाना, पर चलो ठीक है यार, जब हम रह रहे हैं तो सफाई करनी तो बनती है। हाँ चलो किसी को तो करनी पड़ेगी, बिल्डिंग तो सबकी है। हाँ। गंद सबके लिए, अब हम डेली रहते तो हमें रोज देखना पड़ता है, तो इसे अच्छा साफ कर दो। चलो आप करो, मैं कपड़े लगाती हूँ बाहर। बाहर तो कहाँ लगाऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये देखो आप, मौसम हो चुका है खराब। आज रुक जाता ना या थोड़ी एक घंटे की धूप लग जाती तो मेरे सारे कपड़े ना, मैं तो धो ही लिया है। क्या बात है, बाहर की सफाई भी होगी और अंदर की सफाई भी होगी, मान गया आपको, बड़ी छेती तो किता। हाँ तो मैक्सिमम हो गई है। अब मैं थोड़े कपड़े है वो धो के नहा के फिर अपनी कबर्ड सेट कर देती हूँ, जब लगे हुए तो है काम करने। तो नहीं ठीक है, बढ़िया है, सेट करो। पर मैं सोच रही थी कैसे होगी, पर हो गई कसम से। सही बात, अच्छा आज हिम्मत आपने कर ली, नहीं तो अकेले तो मुझे बड़ा मुश्किल था। पर चलो जो बचा है वो कर लेते हैं। अब क्या है? अच्छा अब मेरे, अच्छा मैं तो भूल गई थी। हाँ। अब बाहर और अंदर की गैलरी वो कर लेते हैं। ठीक, एक चीज अच्छी होगी, कपड़े भी धुल गए और धूप भी आ गई हल्की सी। जब तक धूप है मैंने सोचा कि कपड़े बाहर लगा देता हूँ, थोड़े बहुत सूख जाएंगे, और जैसी बारिश आएगी, अभी आएगी वैसे तो, फिर निकाल देंगे। नेहा को भी नहीं पता होगा कि एकदम से धूप आ चुकी है। ये देखो इतनी सी धूप आई है, बस इसी में सुखाने पड़ेंगे थोड़े से कपड़े जब तक बारिश शुरू होती है। अब जाके मैं अपना सब काम करके फ्री हुई हूँ, थोड़े से कपड़े हैं वो मशीन में डाले, बाकी अब लंच की तैयारी करती हूँ क्योंकि अब लंच टाइम भी हो गया। दाल तो रात की बनी है, सिर्फ राइस डालने हैं, और जितनी देर राइस बनेंगे तब तक मैं अपनी कबर्ड भी सेट कर देती हूँ, क्योंकि आज जब काम में लगी हूँ तो कर लेती हूँ, वरना फिर वैसी चीज़ें पड़ी रहती है। और अच्छी बात है कि घर के अंदर की सफाई भी होगी, और जो बिल्डिंग की थोड़ी सफाई थी, स्टेयर्स इतनी गंदी थी, वो भी हो गई। अभी एक और काम है, मुझे विकास नगर जाना पड़ेगा सामान लेने, तो मैं सोच रहा हूँ मैं तब तक विकास नगर से सामान लेके आ जाता हूँ। और नेहा की क्रीम भी है, वो फिर उसके लिए जाना पड़ता है काफी ऊपर। चलो कोई बात नहीं, वो आते जाते ले लेंगे। और मौसम अभी फिलहाल के लिए रुका है। हाँ, तो थोड़े कपड़े मैंने लगा दिए, आप जाओ मैं राइस डालती हूँ, और साथ साथ ये कपड़े भी डाल देती हूँ बाहर, और कबर्ड भी सेट कर देती हूँ। थोड़ी सी टाइमिंग गलत होगी, मैं बस निकला ही और बारिश फिर से शुरू होगी, वो शिट। और कपड़े भी लगाए बाहर, वो भी निकालने, तो सोच रहा हूँ कि क्रीम लेने तो नहीं जा पाऊंगा, तो जो दूसरा सामान है वो यहीं से लेना है मार्केट से, वो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इतना भारी सामान भी होगा और वापसी में बारिश तेज हो गई तो काम खराब हो जाएगा। माइंड चेंज कर दिया मैंने, अभी हल्की सी बारिश लगी है और मैंने उस चढ़ाई तक जाना है, तो सोच रहा हूँ लेके ही आ जाता हूँ नेहा का क्रीम, क्योंकि एक दो दिन बाद ही मुझे जाना पड़ेगा, तो फिलहाल अभी तेज़ नहीं हुई, जिस स्पीड से लगी है बारिश तो शायद थोड़ा सा समय मिल जाएगा मुझे वापस घर पहुँचने का, पर जितना गीला होना है थोड़ी बारिश से उतना तो हो ही जाएंगे। यहाँ मैं इसलिए नहीं आ रहा था, आप देखो खड़ी चढ़ाई है, आना आसान नहीं है यहाँ पे, तो डिसीजन महंगा पड़ गया, देख सकते कितनी बारिश लग चुकी है। अब भीगते भीगते घर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ में सामान है वो भारी है, तो तेज़ी से चल नहीं पाऊँगा, पर कोई बात नहीं, देखते घर तक कितना भीगते, मज़ा आएगा, बारिश में भीगे भी काफ़ी टाइम हो गया, तो ये मौका ही सही। मैं सामान लेके घर तो पहुँच चुका हूँ, पर मेरे साथ एक ग्लोल हो चुकी है, वो क्या है बस मैं बताता ही हूँ, और नेहा को नहीं बताएंगे हम क्रीम लाए। नेहा कहाँ हो आप, बाहर आना ज़रा, ये पकड़ो जल्दी आओ, कपड़े अंदर कर दिए सारे, थैंक यू। आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, इधर नहीं है, उधर कहाँ जा रहे हो, कैमरा पकड़ो, ये बैक साइड देखो, गंदी तो नहीं है कहीं से, साफ करो ये नहीं धुलेगा,
अब मैंने नीचे पोछा मारा था। मैं गंदा हो गया हूँ यार पीछे से। मैं इसको वॉशरूम में जाके साफ करो। और आपकी वो भी क्रीम भी नहीं ला पाया बारिश तो मुझे पता था, छाता लेके जाना चाहिए था ना यार। मेरे को क्या पता उसका, मैंने बाहर लगाए कपड़े, धूप निकली थी तो फिर इस वजह से मैं और आपकी क्रीम भी आ गई है। जल्दी आ गए, जल्दी जल्दी ला दी। तो मैंने भीगना थोड़ा था, अब ये कपड़े गंदे नहीं, इसको गंदा मत करो, इसको ऐसे करो पानी साफ करो। मैं करती हूँ, रुक जाओ मैं देखता हूँ, चलो दो मिनट पकड़ जाओ। अपना लंच तो हो चुका है, किसको देख रहे हो? मौसम तो मजाक कर रहा है, जब जब काम कर रहे हैं फिर बारिश आ रही है, और जब अभी बैठे हैं तो फिर कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी मेरे को लगा था साफ हो रहा है पर फिर से धुंध आ रही है, तो कपड़े नहीं लगाने पड़ेंगे बाहर। और मैं देख ली कुरियर वाले आए हैं, तो कहीं हमारा कोई कुरियर तो नहीं है। वैसे फ्लिपकार्ट वाले हमारे साथ बहुत मजाक कर रहे हैं। सही बात है यार, मैंने एक चीज नोटिस की है, हम लोग जैसे फ्लिपकार्ट में कुछ भी ऑर्डर करते हैं ना, उसके बाद फ्रॉड कॉल आ जाता है कहीं से, फिर वो बोलते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा तो आपको पैसे भेजने पड़ेंगे, तो आप भी इस फ्रॉड से बचे। और ऊपर से अमाउंट भी ठीक नहीं बताते हैं, बात तो है गलत बताते हैं, पर ये कि जिनको नहीं पता चलता यार, बात सही है, हम तो कर देते हैं क्योंकि लगता है ना कि उनका फोन आ रहा है। पर ये चीज तो यार सोचने वाली बात है कि जब आप कोई चीज ऑर्डर कर रहे हो तो उसमें लिख के आ जाता है कैश ऑन डिलीवरी है कि नहीं है। तो अगर आपको भी ऐसी कॉल्स आए तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। दिन में कम से कम 4 बार कॉल कर दिया उन्होंने, मेरे को याद है। और प्रोडक्ट उनको कुछ पता नहीं है और कॉस्ट का कुछ पता नहीं है। हम से ही पूछ रहे हैं कि सर आपकी स्लिपर्स थी, इनफैक्ट मैंने तो शूज मंगाए थे। तो अब मेरे को लगता है थोड़ी देर मैं अपनी बैग को रेस्ट देती हूँ, मेरे को दर्द हो रही है बैग में हल्की। आराम से रेस्ट करो आप, आपने कुछ नहीं करना अब, ठीक है? बाय। अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि कुरियर वाले भैया है ऊपर, कोई हमारा कुरियर तो नहीं है, पर एक कुरियर रह गया था ममार्थ का, 3 तो आ गए थे, एक रह गया था, तो शायद वही है 256 का। मैंने बेबी के लिए कुछ मंगाया था तो भी अक्षय लेने गए हैं, तो वापसी में देखती हूँ क्या है। लो अक्षय पहुँच भी गए हैं। मैंने सोचा था कैंसिल हो गया है वो, अब आएगा नहीं, तो मैं और दूसरे वाला ऑर्डर करने वाली थी, पर शुक्र है वो आज आ गया, तो अच्छी बात है। अब देख लेती हूँ क्या है, क्योंकि मैं तो भूल ही गई थी कि वो आएगा भी। ममार्थ का ही है, सॉरी ममार्थ नहीं, फर्स्ट ट्राई का ना ये है, फॉर योर किड। ये छूट गया था, 3 आ गए थे, 1 रह गया था, मुझे लगा शायद आएगा नहीं पर आ गया। अच्छा ये उसी के साथ ऑर्डर हुआ? हाँ, इसके साथ ही ऑर्डर हुआ था। देख लेता हूँ। वाओ, नहीं चाहते क्या आप, बोल क्या रहे हो बताओ? पता नहीं, ये आप मेरे से कुछ झूठ बोल रहे हो। मैं क्या झूठ बोलूंगा, और नेहा को ऐसा शक हो रहा है कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ, और कुछ चल रहा है। हाँ। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? और नेहा को ये भी शक है कि अखिल भाई आ रहे हैं ना। हाँ, ये तो है, पर वो नहीं आ रहे, मैं आपको पहले ही बता दूं। फिर क्या है? बस ऐसे ही वैसी बात कर, मैं और अखिल भाई बात नहीं कर सकते आपस में, तो वह अपना पर्सनल टॉक था। तो ठीक है, आज अक्षय डिनर बना रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं बना दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो नेहा बना रही है खाना, और बाहर देखो कितना खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है, वाओ अमेजिंग। मैं हॉल पहुंच चुका हूं, तो मेन काम यह है कि डेकोरेशन करनी है, और नेहा को कुछ भी आइडिया नहीं है, उसको शक तो हो चुका है, उसको लग रहा है अखिल भाई आ रहे, अखिल भाई का भी पता नहीं है, पर सामान मेरे पास पहुंच चुका है, तो फिलहाल डेकोरेट करना है। मेरे साथ हेल्प के लिए भी अखिल भाई ने भेजा किसी को, तो कैमरा में आना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, पर हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी है जैसे भी है फिट कर दे एक बारी। तो उसी डेकोरेशन को फिर से रीडेकोरेट कर दिया, बेबी शावर्स बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया है, अब छूटना नहीं चाहिए क्योंकि इसके जो बीच का थ्रेड होता वो नहीं था, तो हमने जैसे तैसे एडजस्ट तो कर लिया। तो थोड़े से बलून हैं ये पड़े थे, कुछ और फुला रहे, तो इसको एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, ये वाला भी। तो आज का खूबसूरत केक ये है, और ये हमारी डेकोरेशन रहने वाली है। नेहा को पूरा पूरा शक है, और उसने मेरे को 10 बार पूछ लिया क्या चल रहा है क्या चल रहा है, उसको ये आइडिया नहीं कि मैं हॉल आ रहा हूँ, तो बस उसको बताता हूँ अभी वो खाना बना रही है, जैसे ही वो फ्री होती है उसको ऊपर लेके आऊँगा, उसको आइडिया भी नहीं होगा। उसको ये तो पता लग चुका है कि अखिल भाई से ही रिलेटेड है, और कब आ रहे क्या आ रहे ये नहीं पता है, या क्या चल रहा है ये नहीं पता है, तो काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है। मैं घर से बाहर भी बहुत रेयरली निकल पा रहा हूँ, और लेट्स सी, देखते हैं। क्या बात है, आज तो हलवा हलवा बन रहा है, क्या बात है, किस खुशी में? कुछ नहीं, मन किया बना लिया। वाह, रेडी? अभी बनने का टाइम लगेगा। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है छोले पूरी और हलवा ये 3 चीजें होने वाली है। अच्छा, पूरी का नहीं पता, चलो गेस थोड़ा मतलब सही था मेरा। अभी इस पे क्या बना रहे हो? रोस्ट कर रही हूं।
ओके बनाओ गुड गुड। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टेरिस वॉक करने, तो मैंने नेहा को बोला के थोड़ी देर टेरिस चलते हैं, और नेहा अखिल भाई का वेट कर रही थी, अखिल भाई तो आए नहीं अभी तक, तो सोचा कि चलो थोड़ा वॉक ही कर लेते हैं, क्या पता यहाँ से दिख जाए, यहाँ तो गिल्ला है यार नेहा है, बारिश इतनी हुई है कि यहाँ पे अभी भी गिला है। नेहा को बिल्कुल आइडिया नहीं है, देखो मैंने लॉक इस तरह से लगा दिया था, वैसे खुला ही है ये। कैसा लग रहा है? बढ़िया, फ्रेश एयर है शाम शाम को ना, और बारिश के बाद तो थोड़ा सा ठंडा भी हो जाता है। हाँ जी, थकावट नहीं पता, तबीयत खराब है। पर नहीं, हमें को सुबह से बोल रही थी कि आज क्या सरप्राइज दे रहे हो मुझे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं मुझसे सरप्राइज के लिए। अरे वो तो सुनो, ये किसने खोला है चेक करना, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि खुला हुआ है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है खुला है? दिव्या, ये सरप्राइज, वाह, हियर इज योर सरप्राइज विद द ब्यूटीफुल केक जो भेजा है आपके मम्मी पापा और अखिल भाई ने। तो अखिल भाई खुद तो आ नहीं पाए, पर उन्होंने किसी के थ्रू भिजवा दिया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लेता हूँ। कैसा लगा आपको आइडिया? बहुत बढ़िया। उम्मीद थी आपको, और स्टूल भी गायब किया मैंने आपको, तब भी पता नहीं लगा, और स्टूल को गायब करने के पीछे ना ओफ कैसी कैसी मेहनत की, पहले किचन में लाया हूँ, फिर देखा नेहा कब बिजी, इसका ध्यान हटता है, फिर बाहर लेके आया हूँ मैं। हाँ, तो कैसा लगा आपको सरप्राइज? आप अखिल भाई का वेट कर रहे थे ना काफी टाइम से, तो आया नहीं। हाँ, तो उन्होंने बोल दिया था कि वो मे भी शायद थोड़ा लेट भी हो सकते हैं, या आए ना आए उनका भरोसा नहीं, तो वो भी सरप्राइज है हमारे लिए, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा आपके लिए स्पेशल कर लेते हैं। नहीं, बहुत अच्छा है, केक बहुत सुंदर है ना। थैंक यू सो मच। मैं एक्सप्रेशनलेस हो गई हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अक्षय मम्मी पापा या भैया के साथ मिलकर ये सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। सुबह से मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी थी, और दिन में मैं ऐसी ढीली थी, अभी मेरा हलवा और वो सब ऐसे बनाने का मन था कि चलो आएगा तो खिला देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। पर मैं आपको बताऊं, मॉल रोड जाने का भी हम लोगों ने तभी कैंसिल किया, मतलब मैंने ये तो इसका तो प्लान था कि चलो मॉल रोड चलते, तो मैंने कहा आज नहीं जाएंगे यार, आज ऐसा नहीं, मैं कहा मंडे को चलेंगे, क्योंकि मेरे को पहले ही बता दिया था कि हम लोग आने वाले, मतलब सुबह ही पता चला मुझे, हम लोग तो रेडी हो रहे थे जाने के लिए, पर फिर मेरे को कैंसिल करना पड़ा जैसे तैसे। पर आई होप आपको एट द एंड ये अच्छा लगा हो, और चलो इसको काटते हैं। थैंक यू सो मच जो इतने प्यार से भेजा है मम्मी पापा अखिल भाई, एंड ये भेजा है हमारे नए बेबी के लिए के खुशी। थैंक यू सो मच। और केक ना बहुत सुंदर है यार, मतलब देख के बड़ा मजा आ रहा है इसको। और मम्मी पापा यहाँ है नहीं है, और भाई भी नहीं है मुझे, और फिर का बड़ा बुरा लग रहा है, मैं अपने इमोशन बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ, तभी मेरे साथ एक्सप्रेशन बड़े गंदे हो गए। मेरे को लगा कि एंड तक यही था कि शायद भाई है, तो मेरे पर चलो अब वो नहीं आ सका, तो कोई बात नहीं, भाई क्या पता शाम तक आ जाए एंड तक। थैंक यू सो मच। केक भी बहुत सुंदर है, सारी जितनी मेरे को दर्द थी सब चीज चली गई। देख चलो, इसको सरप्राइज अच्छा लगा, और जो मम्मी पापा और अखिल भाई चाहते थे वो भी हो गया, तो मैं किस चीज की ज्यादा खुशी है आपके दिमाग को। थैंक यू। अरे बार बार ऊपर जा रहे हो, मेरे को ना इतना ध्यान नहीं था, मैं ऐसा क्या है, और नेहा मेरे फोन में फोन पकड़ रही बार बार, दिखाओ क्या है इसमें, दिखाओ। एक जगह तो मैंने भी पकड़ लिया था, पर मेरे को समझ नहीं आया, मैं कहना ना पता नहीं क्या होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोशिश आपने बहुत अच्छी की थी, और मेरे को सच में पता नहीं चल रहा था, इनकी हरकतें अटपटी सी थी, मैं क्या कर रहे, फिर मेरा ना ध्यान ही था, क्योंकि आज थोड़ी अपने तबीयत पे था ना कि पूरा की दर्द थी, तो सबसे खप्पी सीन क्या था, मेरे को ना स्टूल लेके जाना था। हाँ। बार और जैसे मैं यहाँ से बाहर लेके गया और आप काम कर रहे थे, तो आप एकदम मुड़ गए, तो मेरे को समझ ही नहीं आया मैं स्टूल का क्या करूँ और क्या बोलूंगा, मैंने स्टूल नीचे रख दिया और पर्दे की रॉक कसने लग गया मैं, क्या भाई, फिर मेरे को वहीं पे बैठना पड़ा आपके चक्कर में, आपको बिल्कुल पता नहीं लगा कि जब मैं बाहर लेके आया। शुक्र है भाई।
टैलेंट तो है वैसे मेरे में, क्या मानते हो? पर ये कि हरकतें मुझे अटपटी लग रही थी, मैं मेरे आगे पीछे और दिन तो घूमते नहीं, आज कहा क्यों घूम रहे, सिर्फ इसलिए कि ताकि मैं हॉल ऊपर ना जाऊं, ऊपर तो मेरा था ही नहीं जाने का। और एंड में वॉक करने भी तो ले गया मैं आपको। हाँ कितने मैं यार वॉक क्यों करनी है इस टाइम। और अभी अखिल भाई का फोन था, वो नहीं आ पाएंगे, इसीलिए उन्होंने जो है ना ये सब इंतजाम मुझे बोल दिया था। और उन्होंने अपने फ्रेंड को भेजा था, थैंक यू सो मच, उन्होंने काफी हेल्प किया, वो भी चले गए। केक और ये सब डेकोरेशन तो अच्छी थी बहुत, थैंक यू सो मच। और अक्षय का भी जिन्होंने करी। और मेरा मेरे को पता क्या था, मेरे को सरप्राइज भाई का था, वो रक्षाबंधन में नहीं आ पाया था ना, मुझे लगा शायद वो है, पर फिर भी उसने इतना सोचा इतना किया। अब उनकी जॉब ही ऐसी है कि वो हाँ वो खुद नहीं आ पा रहे थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप चिंता ना करो, पर उन्होंने कहा कि मैं भेज दूंगा किसी को, टेंशन ना करो। पर प्लान कब कब किया मुझे आइडिया नहीं है, मॉल जाने का भी तभी कैंसिल किया कि नहीं सफाई करते हैं। मैं कहा यार क्या आपने कहीं हॉल की भी तो नहीं की थी आज, क्या सफाई? नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऊपर गया था तो बलून्स वगैरह थे वहाँ पे कुछ गिरे हुए, वो साइड कर दिए थे मैंने। फिर अखिल भाई ने फोटो मांगी थी कि हाँ। कितनी डेकोरेशन हुई है, तो मैं उस हिसाब से सामान अरेंज करता हूँ। नहीं पर बहुत अच्छी चीज है कि अब लड़के होता है ना, सबको नहीं है, सबको एक्सप्रेस करना नहीं आता, और मेरे भाई को तो बिल्कुल भी नहीं आता। हाँ, लड़कों का तो होता ही एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो। और वो कैमरा शाय है, फिर भी उसने इतना किया, और मम्मी पापा ने भी किया, थैंक यू सो मच। और जो भैया केक लेके आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पर कुछ स्नैपचैट ने जरा मेरा दिमाग में, अरे भैया ने ना एंड में वो स्नैपचैट डाल दी और नेहा को पता चल गया, और ये मेरे से बार बार पूछ रही कि ये वाले भैया किसी के घर में गए बेबी शावर में। अरे मेरे को हंसी आ गई, मैं क्या पता इसको पता लग गया, और फिर मैं इसको लेके ही चला गया। मैं कहा चल भाई मैंने अपने नहीं, मुझे खुशी बहुत हुई, पर मेरे को एक्सप्रेशन थोड़ा सा ऐसे हो गया कि नहीं, मेरे को ये चीज थी कि अक्षय ने इतना एफर्ट किया और इतनी कोशिश करी, थैंक यू सो मच। अब भैया तो नहीं आ रहा है, पर चलो हम अपने लिए तो बना ही सकते हैं। हाँ, अब खाते हैं हम लोग भी, डिनर करते हैं ना। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसी के साथ इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करता हूँ। आई होप आपको भी ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, क्योंकि मेरे लिए भी काफी ज्यादा सरप्राइज था। नेहा के लिए थोड़ा बहुत एंड में गड़बड़ हो गई, और नहीं तो सब कुछ सही जा रहा था, पर इसको ये नहीं पता था कि हॉल में एंड तक के हॉल में कुछ चल रहा है, तो वो उसमें मैं कामयाब रहा, बोलने का मतलब ये। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहे ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।